हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ये हाजेट का स्विच है जिसको बोलते हैं फोर इंडिकेटर या हाजेट। इसमें दिक्कत यही होता है कि इसका फ्यूज भी सही है, फ्लासर भी सही है, फिर भी जो फ्लासर पे करंट जाना चाहिए 24 वोल्ट का, वो 24 वोल्ट का सप्लाई नहीं जाता है। तो कहाँ से समस्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज होने का यही है कि मेरा ये डंडी का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं अभी इसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। ये डंडी का प्रॉब्लम है कि वहाँ से, और जब उस पर करंट दीजिएगा तब चलना स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कौन सा वजह से होता है, इसको आज खोल करके अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ये कवर खोल लेते हैं, ये सीखना 49 तरह से ये कवर चारों ओर से उठा करके प्लास्टिक वाला रहता है, इसको उठा करके बाहर निकालेंगे। फिर इसमें हम कौन सा कलर पोर्ट पे कितना करंट जाना चाहिए, अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है तो समस्या होता है कि अंदर से कपलर का दिक्कत है, इसको खोल करके बाहर अभी निकाल करके आपको एक एक तार और एक एक जानकारी देते हैं आपको, ठीक है। वीडियो में बस बने रहिए आप एंड तक। तो देखिए ये स्विच बाहर आ गया मेरा, अब इसमें तार कौन सा तार है, किस पे 24 वोल्ट का आता है, कौन सा ग्राउंड है, इसमें कौन सा पार्किंग का है, कौन सा फ्लासर वाला, कौन सा मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड का है, और बताते हैं अभी आपको हम। ये कपलर बाहर आ गया, अब सबसे पहले ये तार के बारे में सबसे पहले आपको हम एक एक करके जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये देखिए ई वाला जो तार है मेरा, ई राइट साइड का तार है, और ये जो एक ये वाला जो तार है ये मेरा लेफ्ट साइड का तार है, और ये ग्राउंड है जो अपना ग्राउंड है टाटा गाड़ी में जिस प्रकार का रहता है, और ये वाला जो तार है ये फोर इंडिकेटर, जब फ्लासर पे करंट जाएगा और जो फ्लासर जो उधर से करंट निकालता है वो है ये वाला, और ये जो आपका जो कटा वाला तार दिख रहा है ब्लैक पे रेड लकीर है, जो नहीं रेड पे जो ब्लैक लकीर दिख रहा है ये डायरेक्ट करंट रहता है, चाबी ऑन कीजिए या ना कीजिए इस पे डायरेक्ट करंट रहता है। और एक जो ये वाइट वाला दिख रहा है ये आपका पार्किंग का, इस पे जब पार्किंग ऑन करते हैं तो यहाँ पे पार्किंग जलता है, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना पार्किंग जलता है उसके लिए है। और एक और जो आपको बगल में दिख रहा है ये फ्लासर पे करंट जाता है, ये इसी पे 24 वोल्ट का करंट जाता है। तो इस पे कौन सा रीजन में करंट कभी कभी नहीं जाता है अपना, ये तो 24 वोल्ट का हो गया रेड पे जो ब्लैक लकीर है, और एक तो ब्लैक पे जो रेड लकीर है ये 24 वोल्ट फ्लासर पे जाता है वहाँ पे है, और ये जो फ्लासर जो करंट निकाल के यहाँ लाता है वो है ये मेरा ग्राउंड तार है, और ये दोनों राइट लेफ्ट का है। और इस पर कौन सा रीजन से नहीं जाता है, ये कभी कभी ख़राब हो जाता है तब जा करके फ्लासर में करंट नहीं जाता है। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें मान लीजिए अपने को करंट देना है, ठीक है, तो करंट देना है तो ये वाला जो तार है और ये वाला तार ये दोनों को एक इकट्ठा कर देंगे तो फ्लासर पे अपना करंट चल जाएगा, ठीक है, और ये अपना काम करने लगेगा। और ये मेरा डायरेक्ट तार है, ये डायरेक्ट तार इसलिए होता है कि चाबी बंद भी रहता है फिर भी फोर इंडिकेटर स्विच दबा दीजिए फिर भी काम करेगा। तो ये तार कटा हुआ था, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये तार हम जोड़ दिए हैं, अभी फ्लासर लगा करके देखते हैं ये मेरा फोर इंडिकेटर स्विच चालू हुआ कि नहीं, क्योंकि तार कटा रहने से भी समस्या करता है। देखिए लगा दिए और चालू भी हो गया, ये देख रहा है आपको, देखिए दोनों साइड का चालू हो गया है। अब फोर इंडिकेटर बंद कर देते हैं सबसे पहले हम, और राइट लेफ्ट चला करके देख लेते हैं, नहीं चल रहा है राइट लेफ्ट, खाली फोर चल रहा है, क्या है कुछ दिक्कत है इसमें। तो चलिए इसको चेक करते हैं अब एक एक करके। तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझिए गए कि कौन सा तार किस पे है और कौन सा तार कहाँ जाता है। अगर इसमें आप यहीं से फोर इंडिकेटर का, अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है तो फोर का कनेक्शन अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए हेडलाइट स्विच का, तो ये दोनों तार लेना है, ये वाला ये राइट लेफ्ट का लेना है, और एक इसमें ये वाला लेना है और ये लेना है, ठीक है, तब जा करके यहाँ से फोर चालू कर सकते। अभी इसमें दिक्कत क्या चल रहा है कि इसका सिर्फ फोर जब दबा रहे हैं तब जा कर के फोर इंडिकेटर काम कर रहा है, बाकी ये सिंगल नहीं काम करता। अभी फोर इंडिकेटर बंद कर दिए और सिंगल चेक करते, देखिए अभी लेफ्ट साइड का चलाएं नहीं चल रहा है, राइट साइड का चलाएं नहीं चल रहा है। तो अब इसमें काम क्या करना है, उधर जो मेरा फ्यूज बॉक्स तरफ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, उधर फ्यूज वगैरह सारा चीज़ सही है। अब ये
एक बिल्कुल रेड पे ब्लैक लकीर था, एक ब्लैक पे जो रेड लकीर, एक बिल्कुल रेड पे ब्लैक लकीर था वो ठीक है, और एक जो ब्लैक पे रेड लकीर है, ये दोनों को हमको इसी में जंप कर देना है, ठीक है। ये दोनों को इसी में जंप कर देना है, ये दोनों को इसी में जंप कर देंगे तब जा कर के ये फ्लासर, ये दोनों को इसी में जंप, ये दोनों को इसी में जंप कर दिए, ये दोनों को इसी में यहाँ से काट करके, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ये जल रहा है लेफ़्ट साइड का, इधर देखिए लेफ़्ट साइड किया हुआ। अब करते हैं राइट साइड, अब देखिए राइट साइड भी जल रहा है इधर। तो इस पर करंट क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से, ये फ्लासर जो फोर इंडिकेटर का स्विच है ये मेरा ख़राब हो गया, इसी की वजह से ये सब समस्या हो रही है। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो सक, ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी होता है तो क्या करना है, ये जो दोनों रेड पे ब्लैक लकीर है और ब्लैक पे जो रेड लकीर है, ये दोनों तार को इकट्ठा कर दीजिए, और ये फोर इंडिकेटर भी इस प्रकार से आपका नहीं, फोर इंडिकेटर नहीं काम करेगा। अगर फोर इंडिकेटर आपको चालू करना है तो क्या करना, इस पर भी आपको करंट दे देना है, ठीक है। अगर इस पर भी अभी अगर हम करंट दे देंगे तो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा मेरा। दोनों एक साथ जंप करने के बाद मेरा सिंगल सिंगल इंडिकेटर काम कर रहा है, ठीक है। देखिए सिंगल सिंगल काम कर रहा है, इधर राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, सिंगल सिंगल काम कर रहा है लेकिन फोर नहीं काम कर रहा है। देखिए फोर नहीं काम कर रहा है, तो ये दोनों इधर जंप हो गया और ये दोनों इसमें जंप कर देना है, और ये दोनों जो है आपका इसमें जंप कर देना, और ये दोनों जा करके इसमें जंप कर देना है, जा करके मेरा फोर इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो गया। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ गए कि किस प्रकार से अगर ये फोर इंडिकेटर स्विच ख़राब हो जाता है, इसको किस प्रकार से हम इस पर काम कर सकते हैं और कौन सा तार कहाँ पे जंप करना है। तो भाई वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रकार से अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट आप कॉमेंट कीजिए और फ़ोन भी कीजिए, ठीक है। तो एक मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।